तो हमने पिछले पैराग्राफ में देखा कि किस तरह से जब वो आयरन मास्टर है उसको हटाने की या घर से भगाने की कोशिश करता है, तो उस लड़की जो है इवनिंग क्रिसमस इवनिंग के लिए उसको रोकती है। फिर आगे पैराग्राफ में उससे रिलेटेड चीज़ को हम देखेंगे। आफ्टर दैट क्रिसमस इवनिंग एट रामजेज पास्ड जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, हमेशा की तरह उनकी क्रिसमस इवनिंग पास्ट होती है बीतती है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। वो स्ट्रेंजर कोई परेशानी का कारण नहीं बना, इसका रीजन क्या था? कुछ नहीं किया बट स्लीप, केवल सोया। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट इन वन स्ट्रेच। बस एक बार अपना लेट गया और हाथ पैर फैला करके सो गया था सोफे पर। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। अब देखिए यहाँ फेयर का मतलब एक तो किराया होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी मीनिंग हमें भोजन या आहार फूड से लेना है भोजन। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, खाना खाता है और फिर सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट राम्स जो। ऐसा लग रहा था कि जैसे कई बरसों में आज वो जो है सुरक्षित और शांति से एक जगह यहाँ सोया हो। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड दे वोक अप हिम अगेन, शाम के जब क्रिसमस ट्री को सजाया गया, लाइट जलाई गई तो उसको जगाए। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एज दो कैंडल लाइट हर्ट हिम। उसकी आंखें इस तरह से पलकें गिर रही थी, खुल रही थी, जैसे कि वो उसको कैंडल लाइट हो उसको चोट पहुंचा रही हो, यानी अच्छे से प्रकाश की तरफ वो नहीं देख पा रहा था। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, उसके बाद फिर वो गायब हो जाता है, यानी जा करके सो जाता है। 2 आवर्स लेटर ही वाज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद एक बार फिर वो जगा। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरिज। पॉरिज वही जो भोजन जैसे हलवा लपसी या दलिया के लिए वर्ड यूज हुआ था, यानी क्रिसमस का भोजन किया उनके साथ डाइनिंग रूम में बैठ करके। एज सून एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट राउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर इंटेंशन दैट द सूट विच ही ओर वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट। लास्ट में जब उठा तो हर प्रेजेंट के पास गया, उपहारों को देखा, और जो है उस यंग गर्ल के पास भी गया, और इस प्रकार से उसने देखा कि उसके फादर का इंटेंशन है कि जो सूट उसको पहना है, जो दिया गया वो क्रिसमस प्रेजेंट है, उसको नहीं लौटाना है। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इवनिंग इन ए प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बी फॉल हिम। उसने यकीन भी दिलाया अगर और रुकना चाहता है क्रिसमस इवनिंग पे तो रुक सकता है, आ सकता है, और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, पुनः उसका स्वागत किया जाएगा। तो इस तरह से वो कह रहा है कि अगर अगली क्रिसमस पर भी वो आना चाहे तो आ सकता है, वहाँ रह सकता है क्रिसमस इवनिंग पर, उसके साथ कोई गलत चीज़ नहीं होगी। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनी थिंग टू दिस, लेकिन रेड ट्रैप सेलर ने कोई आंसर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, आश्चर्यचकित होकर के केवल उस यंग गर्ल को देख रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस। देयर गेस्ट वॉज स्टील अस्लीप एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। जल्दी ये लोग जगे और देखा कि जो उनका मेहमान था वो भी जगह अभी सोया हुआ था, इसलिए उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च द यंग गर्ल सैट एंड हैंग हर हेड इवन मोर। तो व्हेन एट अबाउट 10 o'clock
लगभग 10 बजे के आसपास दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, वो लोग चर्च से वापस आए। द यंग गर्ल सैट एंड हैंग हर हेड इवन मोर टली देन यूजुअल एट चर्च। तो वो चर्च पे लोग गए, फिर वहाँ से वापस आए और वो जो लड़की आ करके और निराशापूर्वक जो है सिर नीचे करके बैठ जाती है। किसका रीजन क्या था कि एट चर्च सी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाई ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग। तो आयरन वर्क्स में कभी काम करता था, उसको एक व्यक्ति ने लूट लिया है उसका पैसा, जो घूम करके रैट ट्रैप्स बेचता है। ये जानकारी उसको चर्च में मिलती है। यस दैट वॉज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस सेड हर फादर। उसके पिता ने कहा कि ये वही आदमी है जिसको तुमने घर में जगह दिया है। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम। कह रहा है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अब तक कितनी सिल्वर स्पून जो हैं कपबोर्ड से गायब हो गई होंगी। यानी अब उसको वो डर जाता है कि वो जो थीफ है और उसने लगभग सिल्वर की जो स्पून है, जो कुछ ले जाने वाली चीज़ है, वो चुरा लिया होगा। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वॉलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। जल्दी जल्दी वो घर पहुंचते हैं और वॉलेट से इस आयरन मास्टर पूछता है कि अजनबी है या चला गया। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज ए थीफ। वो भी बताता है कि चर्च में उसने सुना कि वो आदमी चोर था। द वॉलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनी थिंग विथ हिम एट ऑल। लेकिन जो वॉलेट होता है उस बताता है कि आदमी तो चला गया है लेकिन अपने साथ कुछ लेकर नहीं गया है। ऑन द कंट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज विथ मिस विल्सन ए विल मैंसन वॉज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रजेंट। बल्कि वो अपने एक पैकेट छोड़ गया है और क्रिसमस प्रजेंट के रूप में मिस विल मैंसन के लिए। द यंग गर्ल ओपेंड द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अब द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस। खोलने के बाद जो कुछ चीज़ें उसमें लिखी थी वो सामने आती है। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, खुश हो जाती है। सी फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स। वो रैट ट्रैप था और उस रैट ट्रैप में वो 3 ओल्ड मुड़े हुए क्रोनर्स थे जो उसने ओल्ड मैन के यहाँ से चुराए थे। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, इतना ही नहीं। इन द रेट्रो प्ले आल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर, टेढ़े मेढ़े अक्षरों में जैग्ड लिखा गया था। उसने क्या लेटर में लिखा था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज ए कैप्टन। तुमने मेरा उस जिस तरह से देखभाल किया, मुझे खाने पीने को दिया जैसे कि मैं कैप्टन था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, अंत में मैं भी तुम्हारे लिए अच्छा होना चाहता हूँ। एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, जैसे कि मैं एक रियल कैप्टन था। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीफ। मैं तुम्हें एक चोर के रूप में इस क्रिसमस सीजन पर घबराना नहीं चाहता था, डराना नहीं चाहता था। But you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers। वो उस रोड साइड के किनारे जो ओल्ड मैन है उसका वो पैसा दे देना, क्योंकि जो उसके विंडो फ्रेम से मैंने निकाला था, क्योंकि वो मेरे लिए उस गरीब के लिए एक बेट की तरह है, एक ट्रैप की तरह है। द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेहल। अंत में वो उसको रैट ट्रैप को उसके लिए प्रेजेंट क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में देता है और अंत में वो फ्रेंडली वे में लिखता है, उसके आभार व्यक्त करता है उसका, और अपना जो सिग्नेचर होता है कैप्टन वॉन स्टेहल के रूप में करता है।
तो इस तरह से हमने इस पूरी स्टोरी में जो चीज़ें नोटिस किया, स्टोरी ऐसे तो पेज के हिसाब से देखें तो काफ़ी लंबी स्टोरी हो जाती है, लेकिन अगर हम इसके कंटेंट और सेंट्रल पॉइंट को टेकअप करें तो सिर्फ इसमें 3 या 4 पॉइंट्स हैं जिसको हम केयर कर सकते हैं। फर्स्ट, शुरू में अगर हम लेते हैं कि वो इस दुनिया को एक रैट ट्रैप के बारे में सोचता है कि दुनिया एक रैट ट्रैप है, और जिस तरह से रैट जो है अट्रैक्ट होकर के आता है और इंट्रैप हो जाता है, उस तरह से सब लोगों को होना है और इससे उसको खुशी मिलती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसी थिंकिंग के साथ वो एक ओल्ड मैन के पास जाता है, फिर वहाँ उसको वेलकम वो करता है और वहाँ से उसके पैसे की वो चोरी करके फिर आगे बढ़ जाता है, रास्ता भूलता है तो फिर आयरन वर्क्स में जाता है, फिर वहाँ की घटना जो होती है उसको देख लेंगे। फिर लास्ट में उसके यहाँ आने के बाद वो रुकता है, और जब चर्च में सुबह लोग जाते हैं, उन्हें चोर होने की उसी घटना होती है, तो वहाँ वो अपने को भी चेंज कर लेता है, वो चोरी वहाँ नहीं करता है, बल्कि जो चोरी की गया क्रोनर होता है वो भी वहाँ रह करके वो चला जाता है। तो इस तरह से हम एक चीज़ देखते हैं कि किस तरह से कंपैशनेट और जो एक काइंड बिहेव है, गुड मैनर है, एक अच्छे जो थी एक रेटर सेलर को भी एक अच्छा आदमी बना देता है, क्योंकि पहली बार उसके साथ जो घटना होती है वो उसको ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, लेकिन जो चीज़ फिर रिपीट हो जाती है तो उस पर ज़्यादा उसका प्रभाव होता है। यानी सेम चीज़ें हों, चाहे गुड हो या इविल हो, अगर वो रिपीटेड होता है, अगेन एंड अगेन हमको मिलता है, तो उसका इफेक्ट शायद ज़्यादा हो जा होने लगता है। तो इस तरह से ये चीज़ जो है कहानी की एक हिंदी समरी थी जो मैंने आप लोगों को बता दिया। इस स्टोरी के अच्छे से रीडिंग करेंगे, वर्ड नोट करेंगे, और अब हम लोग अपने लाइव क्लास के टाइम में इसका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पैराग्राफ वाइज करेंगे, ताकि हमारा ये लेसन बिल्कुल क्लियर हो सके।